कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम अज कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अरब आमतौर पर किसी से मुलाकात के वक्त कहा करते थे, हय्याक अल्लाह, अल्लाह तुझे जिंदगी दे। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं जीते रहो। उनके यहां ग्रीटिंग का तरीका क्या था? हय्याक अल्लाह कहते। तो इससे हुय्यितुम बितहय्यतिन का लफ्ज फिर हर दुआ के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, और खुसूसन सलाम के लिए। आप जानते हैं कि हर माशरे में कुछ ऐसे दुआइया कलिमात होते हैं जो माशरे के अफराद आपस में मेल मुलाकात के वक्त इब्तिदाई तारुफ, इजहार मोहब्बत और एतमाद, निशान उखुव्वत और मवद्दत और अलामत वहदत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अगर मुख्तलिफ मजाहिब का जायजा लिया जाए, या मुख्तलिफ जबानों का, या मुख्तलिफ कल्चर्स का, तो हम देखते हैं कि अरबों में इस्लाम से पहले ऐसे दो तीन अल्फाज राज थे, मसलन अहलन वसहलन, हय्याक अल्लाह, मरहबा वगैरह। सलाम का लफ्ज भी मारूफ था, लेकिन बाद में बाकी अल्फाज की नस्बत सलाम को एक इस्लामी शियार करार दिया गया। अगरचे बाकी अल्फाज भी बाकी रहे, लेकिन मुसलमानों को ये सिखाया गया कि जब वो एक दूसरे से मुलाकात करें तो उस वक्त अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज इस्तेमाल करें। फरमाया, जब तुम सलाम किए जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहे जाओ, तो तुम सलाम करो, सलाम का जवाब दो। कैसे? उससे ज्यादा बेहतर तरीके से, या उसी को लौटा दो, यानी वालेकुम अस्सलाम कह दो, या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वरहमतुल्लाही व बरकातुहु का इजाफा वालेकुमुस्सलाम बराबर का जवाब है। अरबों के अलावा दुनिया की अगर दीगर जबानों और कल्चर्स का जायजा लिया जाए तो आप देखेंगे कि जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर क्या माने रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम का माना तो है तुम पर सलामती हो, और अस्सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम भी है। गोया एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को सलाम करता है और अस्सलामु अलैकुम कहता है, तो ये सिर्फ इजहार मोहब्बत ही नहीं, दुआ ही नहीं, अल्लाह का नाम लेना भी है, अल्लाह का जिक्र करना भी है, दूसरे को अल्लाह की याद दिलाना भी है, और दुआ के मानों में एक बेहतरीन दुआ कि तुम मेरी तरफ से हर तरह महफूज रहो। क्योंकि मुसलमान की तो तारीफ ही ये है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और फिर अस्सलाम यानी हर तरह की सलामती हो तुम पर, जाहिरी सलामती भी, बातनी सलामती भी, यानी तुम्हारी जिंदगी, सेहत, जान व माल, औलाद, ईमान, अखलाक, हर चीज सलामती में रहे। क्योंकि सिर्फ सलाम नहीं बल्कि अस्सलाम है, तो अल क्या है? इस्तिग़राक का, यानी मुकम्मल सलामती। और फिर सिर्फ दुनिया की नहीं आखिरत की भी। तो इस एतबार से आप देखें कि कितने जामे अल्फाज हैं अस्सलामु अलैकुम के। लेकिन जब हम कुछ दूसरे अल्फाज का जायजा लेते हैं तो आप देखिए कि खुद आप ही के कल्चर में अब सलाम से ज्यादा किस चीज का रवाज है? हेलो और हाय का। जब इन अल्फाज का मतलब मालूम करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इनका कोई मतलब ही नहीं, इनका कोई माना नहीं। हाँ, एक गुमान ये है कि हेलो का लफ्ज हेल से है, लेकिन हकीकी माने किसी को मालूम नहीं। इसी तरह दीगर जबानों में, मसलन कोरियन में सलाम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अनियोंगा सियो, इसका माना है क्या आप सलामती में हैं, यानी दुआ देने की बजाय सवाल है कि क्या आप सलामती में हैं,
क्या आप ठीक हैं? इसी तरह चाइनीज में है निहा, क्या आप खैरियत से हैं? फिर इसी तरह हिब्रू में शलोम के लफ्ज बोला जाता है, इसका एक माना है सलामती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिब्रू ज्यूज की लैंग्वेज है और उनका दीन दरअसल इल्हामी दीन है और वहीं से ओरिजिनेट करता है जहां से इस्लाम कर रहा है, तो इसका एक माना तो सलामती है, दूसरा माना है सेहतमंद, बुराई से महफूज। लेकिन इसमें भी बुराई से महफूज या सेहतमंद या सलामत, शलोम, ऐसे ही जैसे हम कहें सलाम। बाज लोग हमारे यहां भी सिर्फ सलाम बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते। इसी तरह हिंदी में नमस्ते कहते हैं, जिसका एक माना तो है खुशामदीद और दूसरा माना इसका है मेरे अंदर का खुदा आपके अंदर के खुदा की ताजीम करता है, गया उनके मजहब को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरह हवाइन लैंग्वेज में एलोहा खुशामदीद के मानों में, इसे पोर्चुगीज में बोम दिया गुड मॉर्निंग के मानों में। अरबों के यहां भी ये रवाज था और अब भी उनके कल्चर में ये चीजें मौजूद हैं, सबाहुल खैर, मसाउल खैर, सबाहुल नूर, रोशन सुबह हो, अच्छी शाम हो। अंग्रेजी में भी कुछ और लफ्ज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो वो सब भी आप देखें कि वक्ती सलामती या वक्ती अच्छाई की बात है और उसमें भी दुआ नहीं है। दुआ का एक तरह से माना पाया जाता है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो या शाम अच्छी हो, लेकिन इस्लाम में क्या है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, पूरी जिंदगी, और सिर्फ ये जिंदगी नहीं आखिरत भी, हर तरह की खैर और सलामती हो। फिर इसी तरह इटालियन में चाओ, इसका माना भी हाय है। फिर इसी तरह अफ्रीकन्स में डागसी। फिर इसी तरह जर्मन में गुटन टाग, आपका दिन अच्छा गुजरे। इसी तरह फ्यूजियन लैंग्वेज में होवो, आप कैसे हैं। फिर इसे साउथ अफ्रीकन में हो इज इट, यानी हाउ इज इट, सब कुछ कैसा है, और इसी का जवाब होता है जैम्बो, कुछ गड़बड़ नहीं। फिर इसी तरह हंगरी में जाना पोत, यानी गुड डे। फिर साउथ अफ्रीका में कहते हैं जुलो, साओ बोना, मुझे आप नजर आ रहे हैं, आई सी यू। फिर इस तरह माली में इनी बारा, आप और आपका काम कैसा है। अब आप देखें कि हर वक्त अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो आप और आपका काम कैसा है, तो मालूम नहीं जवाब में क्या आता होगा। फिर इसी तरह स्लोवेनिया में जिंजो, जिसका माना है लंबी जिंदगी पाओ। तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जबानों या मुख्तलिफ इलाकों में सलाम का जो लफ्ज है वो भी इनकम्प्लीट है, और उसमें अदायगी में भी आप देखें इन अल्फाज का अगर सही प्रोनाउंसिएशन भी आपको मालूम हो वो कैसे साउंड करता है। जैसे वो चाइनीज में बता रहे निहा, और दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम, तो आप देखें कि जो साउंड है उसका भी इफेक्ट फर्क है। एक लफ्ज आप सुनते हैं तो वो आपकी तबीयत पे और तरह गुजरता है, दूसरा सुनते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। तो अस्सलाम वालेकुम कहना सिर्फ एक लफ्ज बोलना ही नहीं बल्कि एक दुआ देना है, दूसरे की खैर चाहना है, भलाई चाहना है। इमाम इब्ने उयना का एक कॉल नकल किया गया कि उन्होंने कहा कि अतदरी मसलामो, क्या तुम जानते हो कि सलाम किस चीज का नाम है? फिर उन्होंने उसकी वजाहत की कि सलाम करने वाला दरअसल ये कह रहा होता है कि तुम मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमैन रहो, अमन में रहो, बेखौफ रहो, यानी मुझसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसमें आप देखें कि एक याद दहानी भी है कि जब हम किसी से मुलाकात को जाते हैं और हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर उसको ताने देने लगते हैं, फिर उसके सामने को गीबत करने लगते हैं और उसके अमल बर्बाद करने लगते हैं, फिर उसके साथ झूठ, धोखा और फरेब का मामला करते हैं, तो खुद हमारे कॉल फेल में तजाद हो गया। तो सलाम जो है दरअसल एक याद दहानी भी है कि देखो जब तुम किसी से मिल गए हो
तो ना उसको खुद तकलीफ देना, ना उससे तकलीफ पाना, और ना ही अपनी तकलीफ का कोई सामान तैयार करना। लेकिन चूंकि हम इस लफ्ज की रूह ही को नहीं समझते, इसलिए कभी शौरी तौर पर सलाम नहीं किया, सिर्फ एक रिवायत के तौर पर, एक रिवाज के तौर पर। और आपने देखा होगा कि बाज इलाकों में तो सलाम भी नहीं बोलते, यानी हम मुसलमानों में से, बल्कि सिर्फ आदाब कहते हैं। यानी बाज़ात हमें खुद भी नहीं मालूम होता कि हम कितने बेमानी किस्म के लफ्ज बोल रहे होते हैं। बस औकात हम जल्दी में अस्सलाम वालेकुम कहने के बजाय अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं, लाम को प्रोनाउंस नहीं करते, जबकि अस्सलाम का मतलब है मौत।